नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है आदित्य शर्मा आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया सो so, यार आज की वीडियो में लो हम लोग अगेन करने जा रहे हैं एक नए कॉलेज का टूर सो so, उस कॉलेज का नाम है आईआईटीएम जनकपुरी अभी मैं उसी कॉलेज में जा रहा हूं सो so, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आईआईटीएम जनकपुरी के बारे में सब कुछ मतलब बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसा है कॉलेज बढ़िया से रिव्यू करेंगे एंड इसके अलावा यार काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया कॉलेज दिखा दो ये वाला तो भाई इस वीडियो पे रीच अच्छी आनी चाहिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखें पूरा देखें और अच्छे से देखें ताकि आपको पता चले कि कॉलेज कैसे and 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 वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज जरूर करना ताकि वीडियो की रीच बनी रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के तो ये है IITM का गेट और आप देख सकते हैं कॉलेज दिख रहा है यहाँ से ठीक है ये रहा है यहां पे बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है IITM इंफॉर्मेशन वाला ऑब्वियसली और यहां से हम लोग जा रहे हैं अंदर तो ये देखिए यहाँ से भी फिलहाल मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ कॉलेज कैसा दिख रहा है एंड बाकी साइड में है यहाँ पे गार्डन बना रखा है मतलब ठीक ठीक बना रखा है लाइक इसमें शायद बच्चे नहीं जा सकते होंगे क्योंकि बच्चे मुझे दिखे भी नहीं इसके अंदर ठीक है और इसके अंदर क्या ही जाएंगे यार ग्रीनरी है तो अवॉइड करते होंगे बाकी साइड थोड़ा एरिया और यहाँ पर रिसेप्शन में एंट्री करते हुए हम लोग सीधा जा रहे हैं अब ये आपको दिख रहा है मतलब थोड़ा ठीक सा बना रखा है मतलब हाँ बड़ा है मतलब रिसेप्शन थोड़ा बड़ा है अब भाई ये चीज़ देखो यार ये मेरे को काफी सही लगा यार मतलब अंदर घुसते ही मैं रिसेप्शन से घुसाऊँ और अंदर घुसते ही यार ये क्या चीज़ है इतना बढ़िया मतलब माहौल लाइक आप ये देख सकते हो कि क्या ग्रैंड बना रखा है सच में ऐसा लग रहा है कि बैंकुएट हॉल के अंदर आ गया हूँ या फिर पता नहीं क्या ही चीज़ और मतलब देख सकते हो सामने आई लिखा हुआ है और यहाँ पे लैब्स है कंप्यूटर लैब्स यूजी लैब पीजी लैब अलग अलग लैब्स हैं मतलब एमबीए की अलग है और बीसीए और बीबीए वालों की अलग सो भाई ये है कंप्यूटर लैब जिसके अंदर बच्चे बैठ सकते हैं काफी सारे अच्छी बनाई हुई है एंड आता है हमारा क्लास रूम क्लास रूम्स काफी सही बनाए हुए हैं बट मुझे एक चीज की कमी लगी इनके पास ब्लैक बोर्ड है व्हाइट बोर्ड नहीं है लाइक like, मेरे कॉलेज में व्हाइट बोर्ड है प्रोजेक्टर है बट व्हाइट बोर्ड नहीं है यहाँ पे सो so, ये है आई की स्टेयर्स मतलब मैं ऊपर जा रहा था तो मैंने सोचा एक स्टेयर्स की भी वीडियो दिखा ही दू बाकी यार ऊपर से एक बार व्यू देखो भाई कितना सही लग रहा है यार मतलब मुझे सच्ची ऐसा लग रहा था एक मॉल के अंदर घूम रहा हूं या फिर पता नहीं कैसा लाइक मतलब व्यू देखो यार काफी सही लग रहा है कि एक कॉलेज में नहीं आप कहीं घूम रहे हो और यहाँ पे हम आ गए हैं ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर यहाँ पे लाइब्रेरी है सामने की तरफ आपको दिख रही होगी लाइब्रेरी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है अभी मैंने राइट right साइड में दिखाया लाइट्स जल रही थी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी कॉलेज के अंदर और यार ये है लाइब्रेरी काफी ही बढ़िया बनाई हुई है वहां पर बुक्स रखी हुई है इस साइड पे बच्चों के बैठने का अरेंजमेंट है एंड अब फिलहाल हम आ चुके हैं सबसे बेस्ट जगह कैंटीन मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे दिखते हैं और सबसे ज्यादा यही थे लिटरली में क्योंकि ये दोनों कॉलेज की मिक्स कैंटीन है मतलब दो आई आई टी है तो दोनों की मिक्स कैंटीन यही है सो so भाई अब हम आगे हैं बेसमेंट के अंदर बेसमेंट में यहाँ पे बच्चों के लिए टेबल टेनिस लगा रखा है बैठने का एरिया है वहाँ पे बच्चे बैठ सकते हैं और उस साइड पता नहीं कुछ था मतलब सामान वाम रखा हुआ था में ही ये बना हुआ है टीचर्स के बैठने का एरिया मैं इसके अंदर नहीं दिखा सकता टीचर्स थे अंदर तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर टीचर्स के बैठने का अलग स्टाफ रूम है एंड अब हम जा रहे हैं बेसमेंट से निकलते हुए सीधा ऊपर की साइड मतलब ये रास्ता सीधा जाता है बाहर की ओर तो देख सकते हो यहाँ से हम निकल गए अब बाहर ओके तो हाँ यहाँ पे मतलब काफ़ी सही एरिया है बाहर भी इतना नहीं है कि स्पेस कम हो ऐसा कुछ मतलब काफ़ी सही लगा मुझे और उस साइड दूसरा आई कॉलेज तो भाई एक बार देख लो साइड से कैसा लग रहा है क्योंकि अभी इसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो सीमेंट वीमेंट वाला दिख रहा है आपको थोड़ा सा ओके ऐसा ही है जैसा है एंड बाकी अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की साइड उस साइड था आपको मैंने दिखाया आई आई दूसरे वाला हल्की झलक अब जा रहे हैं बाहर ये गार्ड का साइड में गार्ड अंकल दिखे और हम जा रहे हैं बाहर की ओर तो यार मैंने सोचा एक बार बाहर का भी एरिया दिखा दूँ कैसा लगता है तो ये है आई के बाहर की रोड मतलब जो भी एरिया है ठीक है वहाँ पर सीधा सीधा आप यहाँ से निकल जाओगे तो आप लोगों को मिल जाएगा आ, मतलब रिक्शा ले लो यहाँ से बाहर जाने के लिए या फिर सीधा बाहर चले जाओ और आपको बस मिल जाएगी या फिर कुछ भी रूट लेना आप ले सकते हो सो so, यार मैंने ये चीज नहीं दिखाई थी ये है कॉलेज का ऑडिटोरियम क्योंकि ये बंद पड़ा हुआ था इसलिए मैंने इसको नहीं दिखाया पिक्चर के अंदर एंड प्लेसमेंट्स देख सकते हो दस लाख पर एन तक का पैकेज दिखाया हुआ है कॉलेज ने एमेजॉन कंसेंट्रिक्स बायजूस एच डी एफ सी अपग्रेड जैसी कंपनीज के साथ में बीबीए बी कॉम बी सी एम बी ए का भी पैकेज था वो मैंने यहाँ पे भी शो नहीं कर रखा आप साइट पर जाकर देख सकते हैं तो यार आई होप आप लोगों को ये कॉलेज का टूर अच्छा लगा हो ऐसी ही दो वीडियोस और मेरे चैनल पे अभी अपलोडेड है मतलब अपलोडेड है इसके अलावा और भी वीडियोस कॉलेज टूर की तो जरूर जाके उनको भी विजिट करें मतलब उनको भी देखें ये ऑनलाइन विजिट अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपको बाकी कौन से कॉलेजेस चाहिए मेरे को वो भी बताते रहो कॉमेंट बॉक्स के अंदर क्योंकि अभी और कॉलेजेस के टूर आने बाकी है आई यूनिवर्सिटी के भी एंड इसके अलावा बाकी कॉलेजेस भी मतलब अलग यूनिवर्सिटीज़ के भी ठीक है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को बाद में पता चलता रहे कौन से कॉलेज का टूर मैं बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ एंड इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ जरूर कर दे ताकि हर एक बच्चे को पता चले आई आई टी एम कैसा है मिलती हैं अगले वीडियो में अभी के लिए इतना ही धन्यवाद